नमस्ते दोस्तों, तो चलिए हम कल्याण जी आनंद जी के सफर को और आगे बढ़ाते हुए और एक और नया नगमा और उसके पीछे के अफसाने लेकर आगे बढ़ते हुए हम इस एपिसोड में फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज किस गीत को हम लेकर आए हैं ये अब आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। नमस्ते, ये कल्याण जी आनंद जी भाई का एक बहुत ही सुंदर गाना है, किसी राह में किसी मोड़ पर। इसका ये लिरिक्स लिखा है आनंद बख्शी साहब। हम जब से शुरू किया है ये पॉडकास्ट, बहुत लोगों की फरमाइश थी कि आनंद बख्शी साहब का भी लिखा हुआ गाना आप गाए। ये फिल्म था बहुत ही बेहतरीन, मेरे हमसफर सुपरहिट फिल्म था वो, शर्मिला जी और जितेंद्र साहब का और लता जी और मुकेश जी का डुएट गाना है, किसी राह में किसी मोड़ पर। रूमी जी वो बहुत सारे जो पब्लिक फंक्शन में गाए हैं ये गाने, और मज़ा ये है कि कभी कभी कोई कोई राग वो गाने के समय अगर ज़्यादातर नोट्स ऑड नोट्स हो तो मतलब कोमल हो तो उसमें गाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये ऐसा ही एक गाना है, ज़्यादातर इनके नोट्स सभी कोमल है। पहले एपिसोड में कहा था कि कल्याण जी आनंद जी ने काफी अच्छे अच्छे उभरते नए नए कलाकारों को हमारी इंडस्ट्री को भेंट चढ़ाया है, तो उनमें से कुछ में नाम ले लूंगी, जैसे सुनिधि चौहान जी है और हमारे श्रेया घोषाल जी है, साधना सरगम जी है, सोनाली वाजपेयी जी है और जावेद अली जी है, इनमें शामिल सोनू निगम जी भी है, क्योंकि ये लोग एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन करते थे जो उस जमाने में सारे गामा जो टीवी में ब्रॉडकास्ट होता था उसके पहले कल्याण जी आनंद जी ने ये प्रथा शुरू की थी। तो इससे ये कॉम्पिटिशन के द्वारा काफी सारे उभरते कलाकार जो हमारे नाइनटीज के बाद से जो आए हैं, कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और बहुत बड़ा उनको श्रेय जाता है, तो हमको उनको इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। Yeah.